Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। टू क्लास, आज हमने जो है शेप्स पे काम करना है, तो हम शेप्स की तरफ आते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, उस पर काम करते हैं, और वो है पेज नंबर, स्टूडेंट्स वो है पेज नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आपको शेप्स पैटर्न्स शो हो जाएंगे। ये शेप्स होती हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये शेप जो होती है जो हम काम करते आ रहे हैं, हम सीखते आ रहे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स पढ़ी, अब हम शेप्स की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो शेप जो होती हैं ये हमें, ये शेप सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम ये शेप्स हमें कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स होते हैं उनमें ज़रूर शो होती है। ठीक है, सर्कल हो गई, ये स्क्वायर शेप हो गई, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोन शेप हो गई, ये शेप्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन शेप्स हैं जो हमारे आसपास में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये इनको हम 2D शेप्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये शेप्स है ना, तो उसके बाद हमने क्या करते हैं, इस शेप्स में हमने जो है पैटर्न्स भी देखे हैं। ठीक है, पैटर्न्स जिस तरह से हमारी बॉडी पे पैटर्न्स होते हैं, हमारी बॉडी सिर्फ एक नॉर्मल बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी बन गई है, हमारी बॉडी के ऊपर आप कुछ लाइंस हैं, तो ये जो लाइंस बॉडी के ऊपर होती है ना, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। ठीक है, जिस तरह से आप एनिमल्स की बॉडी देखें, उनके ऊपर जो लाइंस होती हैं उसको भी हम पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, जो पहाड़ी होती हैं, रॉक्स वगैरह, ठीक है, हमारे आसपास हर चीज़ पे जो नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, हमें जो पैटर्न ज़रूर शो होते हैं कि उनके ऊपर लाइंस जो होती है बड़ी खूबसूरती से ड्रॉ हुई हुई होती है। ठीक है, एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, इन सब के ऊपर पैटर्न्स होते हैं, और हमारी बॉडी के ऊपर तो बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की लाइन्स हैं। सो आज हमने जो है वो शेप्स जो है वो ड्रॉ करनी है। इसमें सिर्फ बहुत ईजी है, करना क्या है कि हमारे पास जिस तरह से शेप्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, तो हमने भी लास्ट में क्या करना है, सर्कल और स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, हमने भी क्या करना है, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल जो है उसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सर्कल एंड ट्राइंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल, तो हमने भी इस तरह से ड्रॉ करना है। एंड इसके बाद मतलब जिस तरह से आपको शेप्स दिख रही है ना, हमने उस तरह से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, कि जितनी शेप्स की टर्न के बाद टर्न आती है तो हम उतना ही करेंगे। जिस तरह से एक स्क्वायर के बाद दो ट्राइंगल, सेम एक स्क्वायर के बाद दो ट्राइंगल, फिर एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल, आगे जगह नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ करना है, देन उसके बाद उसके ऊपर कलर कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी पहली शेप की तरफ आएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर। जब भी कोई इस तरह की चीज़ जिसमें लाइंस होती हैं ड्रॉ करें, तो उसमें लाइन ज़रूर देखा करें। ठीक है, मैं यहाँ पर स्केल रखूँगी, तो मैंने स्क्वायर की शेप जो है, हमारे पास इतना छोटा बॉक्स है कि उसमें हम एक छोटी शेप ही ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो मैं जो है उसकी शेप के लिए लूँगी 1 से लेके 3 तक। ठीक है, ये मैंने 1 से लेके 3 तक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी 1 से लेके 3 तक लूँगी। ठीक है, आपने देखना ये कि आप लोगों की जो लाइन है वो, आपका स्केल जो है वो सीधा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, ताकि आपकी लाइन जो ख़राब ना हो। अब मैं यहाँ पर भी 1 से लेकर 3 तक लूँगी, स्ट्रेट लाइन भी 1 से लेकर 3 तक आएगी। और यहाँ से भी लाइन 1 से लेकर 3 तक ही लूँगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर डन। हमने ज़रा बड़ा स्क्वायर बना दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट शेप पे आना है, वो कौन सी है, वो सर्कल है। इतना छोटा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वरना सर्कल आप डायरेक्ट अपने हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, तो सेम ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल भी मैं देखूँ, मैं अब ट्राइंगल जो हम छोटा ड्रॉ करेंगे, इतना बड़ा एरिया हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, अब मैंने फिर इस बॉक्स का बीच देखेंगे कि इस बॉक्स का जो सेंटर है वो कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है हमारे पास, ठीक है, ये 1 से लेके, ओके फाइन। अब इसका सेंटर कहाँ आ रहा है फिर हमारे पास, यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ की, और अपने स्केल पे ध्यान रखिएगा कि आपका स्केल जो है वो लाइन ना ख़राब कर दे आपकी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ड्रॉ।
लाइंस पे जब हम इस तरह से काउंट करते हैं नंबर्स, बड़ी इजीली जो है हमारा जो है शेप बन जाता है, ठीक है, फिर हमारा शेप जो है वो ख़राब नहीं होता। उसके बाद हमारे पास शेप जो है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है क्या करना होता है, दो साइड जो होती हैं उसकी बड़ी होती हैं, दो साइड उसकी छोटी होती हैं, ठीक है। तो या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली वो जो बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अब इसको भी हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें इसको भी लाइंस के हिसाब से ड्रॉ करना है कि हमारी जो ऊपर अप साइड डाउन साइड लाइन जो है वो इक्वल आए और जो दो साइड की जो आसपास की लाइन्स है वो इक्वल आए, ठीक है। तो उसमें भी आपने नंबरिंग देखी, जिस तरह से मैं यहाँ पर नंबर देख रही हूँ, ठीक है, जिस तरह से मैंने साइड से 2.5 लिया, आपने भी इस तरह से लेना ताकि आपकी लाइन जो है वो इक्वल आए, ठीक है। सो ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो डन हो चुका है। ट्राइंगल जिस तरह से यहाँ ड्रॉ किया था, सर्कल ड्रॉ कर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर सेम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिस तरह से ऊपर हमने ड्रॉ किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट पिक्चर जहाँ पर हमारे सारे कलर्स जो है वो डन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी अच्छे से कलर्स करने हैं, सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और स्क्वायर, ठीक है। तो जिस तरह के कलर्स हैं, जैसे कलर्स हैं कीजिए, जैसे बनते हैं बनाइए और कोशिश करते जाइए, ठीक है। आप लोग छोटे हैं, करते करते आप लोगों को सब आएगा। आपने पहले लाइन सीखी ना, अब आप शेप्स पे आ गए, इंशाल्लाह करते करते आपको शेप्स और अच्छे तरीके से आएंगी जब आप उसकी मोर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर हमारे लिए।